नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पीके न्यूज। देश में लव जिहाद के रोजाना कई घटनाएं सामने आती हैं। सामने आता है मुस्लिम लड़के सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग कर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं और या फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। देश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसको लव जिहाद कहने पर कट्टरपंथी न सिर्फ भड़क जाते हैं बल्कि इसे प्रेम को बदनाम करने की साजिश बताते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत हो जाए तो इनकी मोहब्बत वाली थ्योरी पलट जाती है। अमेठी की अफरीन को भी इश्क हो गया था। इश्क करते वक्त उसने ये ध्यान नहीं रखा था कि लड़का मुसलमान ही होना चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मोहब्बत का अंजाम ये होने वाला है। अफरीन की मोहब्बत परवान चढ़ पाती उससे पहले ही पिता और भाई ने मिलकर उसे कब्र में पहुंचा दिया। मामला 4 दिन पुराना है, लेकिन दरिंदे पिता और भाई की पोल अभी जाकर खुली है। दरअसल मामला अमेठी के टिकावर गांव का है। गांव की रहने वाली 20 साल की अफरीन बानो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। अफरीन पढ़ने के लिए सुल्तानपुर के हनुमंत इंटर कॉलेज में जाती थी। वहीं उसे साथ पढ़ने वाले किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गया, लेकिन इस मोहब्बत की भनक 4 अगस्त को अफरीन के पिता और भाई को लग गई। हिंदू लड़के के साथ अफरीन को देखकर दोनों के अंदर पल रहा कट्टरपंथ का जहर क्रोध बनकर निकल पड़ा और उन्होंने अपनी ही बेटी के भरे बाजार पिटाई कर दी। जब एक लड़की भरे बाजार में पिट रही थी तब किसी ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और अफरीन उसके पिता और भाई को थाने ले गई। अफरीन इसके बाद घर जाने को तैयार नहीं थी, उसे डर था कि ये वहशी दरिंदे उसे मार डालेंगे, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस ने समझा बुझा कर अफरीन को घर भेज दिया और हुआ वही जिसका अंदेशा अफरीन को था। उसी दिन रात में अफरीन की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इसकी खबर गांव वालों को भी नहीं थी। पिता और भाई ने लड़की को कब्र में दफना दिया। ऐसी खबर फैला दी कि बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन अफरीन को इंसाफ मिलना था, इसलिए उसकी पिटाई का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के बाद गांव वालों को लड़की के पिता और भाई पर शक हुआ, जानकारी पुलिस तक गई। पुलिस ने गांव के चौकीदार की तहरीर पर अफरीन के पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस पर जब दबाव बना तो पुलिस ने 7 अगस्त को अफरीन की लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि अफरीन के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, किसी हथियार से उसके सिर पर वार किया गया था। इसके बाद घटना का खुलासा किया और बताया कि लड़की के पिता और भाई ने ही लड़की का कत्ल किया है। ट्विटर के माध्यम से एक पब्लिक प्लेस में एक लड़के के मारते हुए फिर उसके बाद उनका संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ होने का सूचना मिली थी। इसका पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लेकर जाँच पड़ताल की थी। जांच के द्वारा पता चला है कि वो लड़की को संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई थी, उसके बाद इसको दफन भी किया गया था। ये संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तुरंत 304 IPC में मुकदमा पंजीकृत कराकर आज DM साहब का वो माध्यम से एक टीम गठित होगा, उसके बाद एक्सकवेशन करके बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम की जाएगी। पोस्टमार्टम करने के बाद आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हत्यारे वहशी दरिंदे बाप बेटे दोनों अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है, जिन्होंने अपनी फूल सी बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई थी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।